नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई क्वारंटाइन से रिलेटेड। हालांकि न्यूज़ में पहले ही बता देता हूं आपको, 2 अगस्त की है। जी हां साथियों, ये 3 दिन बाद में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन सच्चाई है कि 2 दिन बाद हो या 3 दिन बाद क्वारंटाइन सरकार ने कुछ फेरबदल किए हैं क्वारंटाइन से रिलेटेड। बाकी मैं नहीं मानता भाई फेरबदल किए, तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया, तोड़ मरोड़ के। नेता बोलते हैं ना, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया, सच्चाई वही है। बाकी GCPT वही सिस्टम है, वही लेन देन है। एयरपोर्ट पर जाओगे तो इसमें जो बताया गया है ना, वो आपको हकीकत में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि नियम तो बन गया लेकिन जो कर्मचारी है ना, जो अधिकारी है, वो नाटक कर लेते हैं। तो इससे रिलेटेड हम बात करेंगे, आगे उसका सोल्यूशन भी बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें, ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। अगस्त में आपको पता है साथियों, क्वारंटाइन से रिलेटेड सरकार ने कुछ बदलाव किए। जी हाँ साथियों, ये बदलाव 8 अगस्त से प्रभावी हो जाएंगे, 8 अगस्त 2020 से लागू हो जाएंगे। उसमें मोटा मोटी कुछ ज्यादा मुझे लगा नहीं, बस यही है, गर्भवती महिलाओं को छूट दी जाएगी क्वारंटाइन में, 10 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनके माता पिता को छूट दी जाएगी क्वारंटाइन में, गंभीर बीमारी वालों को छूट दी जाएगी, क्वारंटाइन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उनके लिए सरकार ने एक निर्धारित कर दिया कि आने से, यात्रा करने से पहले 72 घंटे पहले, जी हाँ 72 आवर्स पहले आपको एक फॉर्म है वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा ऑनलाइन। जी हाँ साथियों, उसी के बेस पे आपको ये क्वारंटाइन में छूट मिल पाएगी। इसमें आपका बेनिफिट ये हो सकता है कि आप गर्भवती महिलाएं हैं, आपके छोटे, आपके साथ छोटा बच्चा है, या आप गंभीर बीमारी हैं, तो वो फॉर्म भर दोगे, उससे बेनिफिट ये हो जाएगा कि पहले क्या होता था कि लोग आ रहे हैं, जैसे एक फ्लाइट में 150 बंदे आ रहे हैं, दो तीन फ्लाइटें पेंडिंग पड़ी हैं, तो 500-700 बंदे हो गए, तो उसमें क्या होता, टाइम लग जाता था कि वो धीरे धीरे निकलने में। अब वो जो फॉर्म है ना, उसके हिसाब से पहले ही आपका फैसला कंप्लीट करके रखेगा, भीड़ कम होगी, जल्दी आपका फैसला हो जाएगा, एयरपोर्ट पे ज्यादा आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, ये बेनिफिट है। दूसरा इसमें ये बताया गया है कि जिनके पास 96 आवर्स पहले जिस भी कंट्री से आप आ रहे हो COVID-19 नेगेटिव की रिपोर्ट आपके पास है, उनको क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा, उनको डायरेक्ट होम भेज दिया जाएगा। लेकिन उनको 14 दिन का एक साइन करना होगा कि भाई मैं 14 दिन मेरे घर पे क्वारंटाइन रहूंगा। तो ये बेनिफिट उन लोगों के लिए भाई, आपके पास अगर 2 रुपये हैं तो खर्च करके COVID-19 की रिपोर्ट वहां से लेके आ जाओ साथ में, ताकि यहां आपको 7 दिन क्वारंटाइन नहीं करना पड़े, एयरपोर्ट से सीधे घर पहुंच जाओ। ये बाकायदे 2 अगस्त की न्यूज है। जी हाँ, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अब हकीकत इसमें साथ में एक ऐड और कर दिया भाई, देख लीजिए कि हम आपको खाने के लिए दे रहे हैं, जब मर्जी हो वापस भी ले सकते हैं। ये लास्ट निर्णय भी दे दिया है कि भाई ये एयरपोर्ट पे फिक्स होगा कि आपके साथ आपको क्वारंटाइन छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। यानी आपको शर्तें भी आपके साथ मनवाने, आपको हेल्प भी कर दी, और साथ में आपको वापस फैसला भी सरकार ने सुरक्षित रख लिया एयरपोर्ट अथॉरिटी ने, कि भाई हम अपने फैसले पे डिपेंड करेगा क्वारंटाइन में छूट दी जाए या नहीं दी जाए। कि कुछ खास अपडेट है नहीं, वही मंत्री का बयान, मंत्रालय का बयान, 14 आपको फॉर्म भरना होगा, 14 दिन आपको क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, उसमें भरना पड़ेगा, खर्चा आप दोगे, वगैरह वगैरह जो पहले वाला है, अच्छा बस वही है, ज्यादा कोई अपडेट इसमें है नहीं। बाकी मोटा मोटी यही है साथियों कि आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, जिनको क्वारंटाइन छूट लेनी है, ये रीजन मैंने बता दिया, उन्हीं को छूट मिलेगा डायरेक्ट, और जो COVID-19 की रिपोर्ट एयरपोर्ट पे लेके आ जाएगा 96 आवर्स पहले की, उसको क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा, सीधा घर भेज दिया जाएगा। तो बस छोटी सी अपडेट थी, आप लोगों के साथ शेयर कर दी, 8 अगस्त से लागू हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।